साल 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे पहलवान प्रवीण राणा के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि यह एफआईआर रेसलर सुशील कुमार और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज की गई है। आरोप है कि राणा के साथ मारपीट करने वाले दूसरे भारतीय पहलवान सुशील कुमार के समर्थक है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बीते शुक्रवार को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले हुए थे। इन मुकाबलों के 74 किलोग्राम में पहलवान सुशील कुमार ने जीत हासिल की। आपको बता दें, सुशील कुमार ने सेमीफाइनल मुकाबले में प्रवीण राणा तो वही फाइनल में पहलवान जितेंद्र कुमार को हराया। सेमीफाइनल मुकाबले के बाद सुशील और राणा के समर्थक के बीच विवाद हो गया था। इस मामले में आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।